बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830-1848। लोग शुरू करते हैं। एज कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। कंजर्वेटिव कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, कंजर्वेटिव मतलब हुआ वो लोग जो लोग एब्सोल्यूट मोनार्की के सपोर्ट में थे, जमींदारी के सपोर्ट में थे, और क्लर्गी और नोबिलिटी को जो स्पेशल राइट्स मिले हुए थे वो उनके सपोर्ट में थे। ठीक है, 1815 के बाद, नेपोलियन के हारने के बाद यही कंजर्वेटिव ऑर्डर आ गया था, दोबारा एब्सोल्यूट मोनार्की आ गई थी। और दोबारा एब्सोल्यूट मोनार्की आने के बाद ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, ये जो थे अपने पावर को कंसोलिडेट करने में लगे हुए थे, मतलब अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, अपनी ताकत का जोड़ घटाव करने में लगे हुए थे। ठीक है, ताकि अपने शासन में उन लोगों को कुचला जाए जो लोग मोनार्की के अगेंस्ट में हैं। आगे देखते हैं। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विथ रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, देयर प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1815 के बाद जो है कंजर्वेटिव सिस्टम आ गया, और कंजर्वेटिव सिस्टम अपनी ताकत बढ़ाने का पूरा कोशिश कर रहा था, मतलब सीधा कहिए तो वो अत्याचार करने पर लगा हुआ था। वो जितना ही अत्याचार करता था, ये लिबरलिज्म और ये नेशनलिज्म ये उतना ही इंक्रीज़ कर रहा था, ये उतना ही बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रिवोल्ट देखने को मिला, लोग विद्रोह कर रहे थे। जैसे इटली में भी विद्रोह देखने को मिला, जर्मन के स्टेट्स में विद्रोह देखने को मिला, ऑटोमन एम्पायर में, आयरलैंड में, पोलैंड में, जगह जगह रेवोल्यूशन क्रांतियाँ देखने को मिल रही थी। दीज रेवोल्यूशंस वेयर लेड बाई द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एडुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट। ये जो रेवोल्यूशंस हो रहे थे यूरोप के अलग अलग हिस्सों में, ये जो था ये मिडिल क्लास कर रहा था। ठीक है, ये जो लिबरल थे और लिबरलिस्ट और नेशनलिस्ट थे, ये मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और मिडिल क्लास का इसमें बहुत बड़ा रोल था। एमोंग हुम वेयर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। और ये मिडिल क्लासेस कौन थे? इसमें प्रोफेसर्स थे, स्कूल के टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, मेंबर्स ऑफ कमर्शियल क्लासेस यानी कि बिजनेसमैन थे। द फर्स्ट अपहेवल टूक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। 1815 में फ्रांस में दोबारा एब्सोल्यूट मोनार्की आने के बाद फ्रांस में पहली बार 1830 में वहाँ पर अपहेवल हुआ। द फर्स्ट अपहेवल, मतलब अपहेवल का मतलब होता है विद्रोह या क्रांति। ठीक है, आगे देखते हैं। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रीस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस आफ्टर 1815 वेयर नाउ ओवरथ्रोन बाई लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप एट इट्स हेड। 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस में कंजर्वेटिव ऑर्डर आ गया, और ये जो कंजर्वेटिव ऑर्डर जो आया, ये कंजर्वेटिव लोग सप्रेस कर रहे थे वहाँ पे, डेमोक्रेसी और लिबर्टी की जो डिमांड कर रहे थे, उन लोगों का दमन कर रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे। और जैसा कि पिछले पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग जगह विद्रोह हो रहा था, इस बार फ्रांस में विद्रोह हो गया 1830 में, 15 साल के बाद। और ये जो विद्रोह हुआ, तो इसमें एब्सोल्यूट मोनार्की को उखाड़ फेंका गया, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इंस्टॉल किया गया, मतलब एस्टैब्लिश किया गया, और राजा जो बने उनका नाम था लुइस फिलिप। व्हेन फ्रांस स्नीजेस मैटरनिक वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मैटरनिक, याद कीजिए, ये वही मैटरनिक है जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, ड्यूक मैटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और मतलब चांसलर का मतलब प्राइम मिनिस्टर था, और जिसका मेन मास्टरमाइंड था नेपोलियन को हराने में, जिसने कि प्रसिया, रशिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर के उसे हराया था। ये वही मैटरनिक है जिसने कि इटली के फ्रीडम फाइटर जियोसिपी मजीनी को बोला था कि ये समाज का सबसे बड़ा खतरा है। और ये इस बार क्या स्टेटमेंट है इसका, देखिए, ये बोलता है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, मतलब जब फ्रांस को छींक आती है, तो रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो पूरे यूरोप को जुकाम पकड़ लेता है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि फ्रांस में जो भी होता है ना, यूरोप उसका फॉलो करता है। फ्रांस में विद्रोह होता है तो धीरे धीरे बाकी के यूरोप में विद्रोह होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1830 में जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, ये जुलाई के महीने में हुआ था, इसलिए जुलाई रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसी के ऊपर वो रिमार्क दे रहा है कि नहीं, अब पूरे यूरोप में भी अलग अलग जगह देखने को मिल सकता है, वो खबरदार कर रहा था। आगे पढ़ते हैं।
द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। और उसका जो अनुमान था वो सही भी हो गया। ये जो जुलाई के महीने में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, ये स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, इसकी चिंगारी चली गई नीदरलैंड उसका पड़ोसी देश है, नीदरलैंड चली गई। और नीदरलैंड जो था उस समय में बेल्जियम को अपना कब्जे में रखे हुए था, कैप्चर किए हुए था, और बेल्जियम में ये चिंगारी पहुंचती है, बेल्जियम में भी विद्रोह होता है और वो नीदरलैंड से एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एन इवेंट डेट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एडुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो ये फ्रांस में घटना घटी थी, विद्रोह हुआ था, इसका तो हमने देखा कि इसकी चिंगारी पहुंची कहाँ, बेल्जियम, और बेल्जियम आज़ाद हो गया। अब इसकी चिंगारी पहुंच गई ग्रीक में। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century, और जो ये ग्रीस था ये ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था 15th century से। तो जैसे नीदरलैंड के कब्जे में बेल्जियम था, उसी तरीके से ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में ग्रीस था 15th century से। 15th century कहने का मतलब पिछले 400 सालों से ये ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमोंग्स द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। फिर यहाँ पे लिखा है स्पार्क्ड ऑफ मतलब फिर चिंगारी भड़की। तो ये फ्रांस की चिंगारी अब कहाँ आ गई, ये ग्रीस में आ गई। और ग्रीस में भी जो ये 400 सालों से ऑटोमन टर्की का गुलाम था, ये यहाँ पर भी नेशनलिज्म की भावना भड़क गई और लोग विद्रोह करने लगे और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने लगे। आगे देखते हैं। नेशनलिस्ट्स इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर। अब ग्रीक में ये सब जो छिड़ गया, जो विद्रोह छिड़ गया, ग्रीक अपनी आज़ादी के लिए ऑटोमन एम्पायर से लड़ने लगा, तो ग्रीस के सपोर्ट में पूरा यूरोप आकर के खड़ा हो गया। ठीक है, और पूरे यूरोप को ग्रीक कल्चर से सिंपैथी थी। वास्तव में क्या था कि ग्रीक का जो कल्चर था वो कल्चर पूरे यूरोप, आप ऐसे बोल सकते हैं कि पूरे यूरोप का जो कल्चरल कैपिटल था वो ग्रीक था। कैसे हमारे यहाँ पर है अयोध्या भारत में, तो जो तमिलनाडु में लोग रहते हैं, जो कर्नाटका में रहते हैं, केरल में रहते हैं, चाहे कहीं भी भारत में रहते हैं, लेकिन उनके लिए होली प्लेस क्या है, जो ये अयोध्या है। उसी तरीके से पूरा यूरोप का जो होली प्लेस क्या था, ग्रीक था। और ग्रीक क्योंकि वो ग्रीक सिविलाइजेशन जो थी वहीं से पनपी थी, इसलिए ग्रीक से सभी लोगों को सिंपैथी थी, तो सब लोग ग्रीक के सपोर्ट में खड़े हो गए। आगे देखिए। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पीपल ऑफ पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर। जितने भी यूरोप के पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, मतलब जो कलाकार लोग थे, जो चित्र बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे, कविता लिखते थे, और लेखक लोग थे, ये सारे लोग ग्रीस के फेवर में आ गए और ग्रीस को बोले इन लोगों ने कि ग्रीस जो है द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। क्रेडल का मतलब होता है पालना, जो छोटा बच्चा होता है ना उसको पालने में सुला देते हैं और उसमें एक रस्सी बांध देते हैं, उसको हिलाते रहते हैं, हिलते रहता है बच्चा, उसमें चुपचाप हिलते सो जाता है। तो ये लोग बोले कि ग्रीस जो है ना पूरे यूरोप का क्या है, पालना है। ठीक है, और पूरे यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना है। और सारे जो लेखक लोग थे, जो चित्रकार लोग थे, वो ग्रीस के फेवर में आकर के उसको सपोर्ट करने लगे अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर था वो एक मुस्लिम एम्पायर था जो कि ज़बरदस्ती ग्रीस को अपने कंट्रोल में किए हुए था। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार। इंग्लैंड के एक पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, उन्होंने फंड इकट्ठा किया, मतलब पैसा इकट्ठा किया, और वो ग्रीस में चले गए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। अब सोचिए इंग्लैंड कहाँ पर है और ग्रीस कहाँ पर है, लेकिन फिर भी उनको ग्रीस से सिंपैथी थी, वो ग्रीस की तरफ गए। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824 में वो लड़ाई में गए और वहाँ पर उनकी फीवर से डेथ हो गई। वास्तव में फीवर से डेथ हो गई क्या था बच्चों की, उस ज़माने में ना टेटबैक का इंजेक्शन नहीं होता था। कैसे हम लोगों को आज किसी लोहे से चोट लग जाता है तो हम लोग तुरंत टेटबैक का इंजेक्शन ले लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में तलवार से या किसी लोहे से बॉडी कट जाता था तो उस कटने के बाद क्या होता था कि फीवर हो जाता था और फिर फीवर से लोगों का डेथ हो जाता था। जो पेशवा बाजीराव थे उनका भी डेथ ऐसा ही हुआ था, वो भी लड़ रहे थे डेक्कन में और डेक्कन में लड़ते समय तलवार से उनका बॉडी के ऊपर में कट हुआ और कट के कारण जो वो पॉइजन था पूरे बॉडी में फैल गया, फीवर हुआ और उनका डेथ हो गया था।
उसी तरीके से इसराइल के भी एक गवर्नर थे, उनका भी डेथ इसी तरीके से लड़ते हुए हुआ था। तो पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था, क्योंकि वो तलवार से लड़ते थे और लड़ते समय लोहा से कट जाता था उनका बॉडी, और फिर फीवर होता था और फिर उनकी डेथ हो जाती थी। आगे देखते हैं हम लोग। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और लास्ट में इन लोगों का संघर्ष जो था वो सक्सेसफुल हुआ और 1832 में ग्रीस जो था वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। तो आपने देखा कि 1830 में फ्रांस में विद्रोह हुआ, उसकी चिंगारी कहाँ भड़की, नीदरलैंड में, जिससे कि बेल्जियम अलग हो गया, बेल्जियम आज़ाद हो गया। फिर उसकी चिंगारी कहाँ पहुँची, ग्रीस में, और ग्रीस ऑटोमन से आज़ाद हो गया 1832 में, यानी 2 साल के बाद। आगे देखते हैं कहाँ कहाँ इसकी चिंगारी पहुँचती है। ये ग्रीस पहुँची, अब इसके बाद ये और भी यूरोप के अलग अलग हिस्सों में पहुँचती है। ये पोलैंड पहुँचती है ये चिंगारी आपको इटली में पहुँचती है, जर्मनी में पहुँचती है, कहाँ कहाँ पहुँचती है, और पूरा यूरोप में नेशनलिज्म फैल जाता है। ठीक है, ये कैसे कैसे फैलता है ये हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का वीडियो आपसे छूटे नहीं। थैंक यू।